तो दोस्तों इस वाले इफेक्ट में आपको स्मूथ प्लस एचडीआर प्लस ब्रांड इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज हम लोग इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि किस तरीके से इस एलाइट मोशन ऐप से इस तरीके की इफेक्ट को अप्लाई करें। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने फोन में इस एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेना है। अभी जैसे ही आपका एलाइट मोशन ऐप ओपन हो जाएगा, यहां से आपको इस प्लस के निशान पर एक बार क्लिक कर देना है और आपकी अपनी वीडियो के हिसाब से ऊपर में साइज सेलेक्ट कर लेनी है। तो दोस्तों आपकी साइज सेलेक्ट करने के बाद यहां आपको क्रिएट प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। अभी आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, तो यहां पर आपको एक प्लस का निशान भी मिलेगा, तो इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है और ऊपर में जो मीडिया का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। और अभी आपको अपने वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है जिस पर आप इस तरीके का इफेक्ट अप्लाई करने वाले हो। तो दोस्तों हम लोग इस वाली वीडियो पर वो वाला इफेक्ट अप्लाई करने वाले हैं जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा। तो यहां से आपको सबसे पहले इस वीडियो के लेयर पर एक बार क्लिक कर देना है। अभी आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, तो यहां से आपको इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहां से आपको ऐड इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और अभी आपको थोड़ा सा नीचे करना है तो आपको एक ओदर्स का ऑप्शन मिलेगा। दोस्तों इस ओदर वाले ऑप्शन पर आपको एक बार क्लिक कर देना है और अभी आपको ये वाला एक इफेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों ये वाला जो आपने इफेक्ट देख रहे हो चैनल रैंप आरजीबी वाला, दोस्तों इस वाले इफेक्ट को आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड सेटिंग वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आपको एक बार टैप कर देना है। अभी आपको यहाँ पर ये जो ढेर सारी लाइन खुल के चली आएगी, तो आपको ये जो बी वाला ऑप्शन है इसमें से आपको यहाँ पर से जी सेलेक्ट कर लेना है। जैसे जी सेलेक्ट करोगे आपको कुछ इस प्रकार का वीडियो हो जाएगा। तो सिंपली से आपको यहाँ पर से आपको चैनल रैंप आरजीबी वाला यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पर एक बार टैप कर देना है। अभी आपको फिर से ऐड इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और आपको ऊपर सर्च वाला आइकन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। और अभी आपको सैचुरेशन वाइब्रेंस सर्च कर लेना है। दोस्तों जैसे आप सैचुरेशन वाइब्रेंस सर्च करोगे तो आपको ये वाला एक इफेक्ट देखने को मिलेगा, तो इस वाले इफेक्ट पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। अभी आपको यहाँ से इस स्टैंडर्ड सेटिंग वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको यहाँ पर से सैचुरेशन वाइब्रेंस वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। अभी इसको दोस्तों अपने वीडियो के हिसाब से बढ़ा लेना है। दोस्तों मैं अपनी वीडियो के हिसाब से बढ़ा लेता हूं, लगभग 4% रख लेता हूं। और उसके बाद आपको यहां पर से एक बार बैक कर देना है और अभी आपको एक बार स्क्रीन पर टैप कर लेना है। और दोस्तों उसके बाद आपको फिर से इस प्लस के निशान पर एक बार क्लिक कर देना है और इस वाले शेप को सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों शेप सेलेक्ट होने के बाद आपको ऊपर में जो डॉट दिख रहा होगा इस पर एक बार क्लिक कर देना है। और अभी आपको ऊपर में जो फील टू कंप्रेशन एरिया दिख रहा है इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। अभी आपकी जो शेप है पूरे फुल स्क्रीन में अप्लाई हो जाएगी, तो अभी आपको यहाँ से इस कलर एंड फील पर क्लिक कर देना है और इस वाले कलर को आपको सेलेक्ट कर लेना है। अभी इस वाले कलर सेलेक्ट हो चुका है, अभी आपको यहाँ से एक बार बैक कर देना है और फिर से आपको इस ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। अभी आपको थोड़ा सा नीचे करना है तो डिफरेंस वाला ऑप्शन है, इस डिफरेंस वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करके यहाँ से तीसरे नंबर पर सब्सक्राइब का ऑप्शन है, इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। अभी आपको सिंपली से यहाँ से एक बार बैक चले जाना है और यहाँ पर से आपको इस इफेक्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस इफेक्ट पर क्लिक कर देना है और यहाँ से ऐड इफेक्ट पर क्लिक कर देना है। और यहाँ से आपको सबसे ऊपर में जो सर्च आइकन दिख रहा होगा इस पर एक बार क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको कॉपी बैकग्राउंड सर्च कर लेना है। दोस्तों कॉपी बैकग्राउंड सर्च करते ही आपको इस वाले इफेक्ट को एक बार टैप कर देना है और यहाँ से इस स्टैंडर्ड सेटिंग वाले ऑप्शन पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। अभी आपको यहाँ पर ये जो कॉपी बैकग्राउंड लिखा हुआ है वहीं पर आपको एक बार टैप कर देना है और अभी आपको यहाँ पर से इस ऐड इफेक्ट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और ऊपर ये जो सर्च बार का आइकन है इस पर क्लिक कर देना है। और अभी आपको सर्च कर लेना है गॉसियन ब्लर। दोस्तों जी ए यू सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा गॉसियन ब्लर। तो दोस्तों इस पर आपको एक बार टैप कर देना है और उसके बाद यहाँ से इस स्टैंडर्ड सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और अभी आपको सिंपली से दोस्तों इस गॉसियन ब्लर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और इसको बढ़ा लेना है, लगभग आपको 0.360 या 65 या 50 इतना तक रख लेना है, अपने वीडियो के हिसाब से रख सकते हो। और उसके बाद आपको यहाँ पर ये गॉसियन ब्लर लिखा हुआ है इस पर आपको एक बार टैप कर देना है। अभी आपको यहाँ से ऐड इफेक्ट पर क्लिक कर देना है और ऊपर सर्च बार में चले जाना है और सिंपली से एक्सपोजर गामा सर्च कर लेना है। दोस्तों एक्सपोजर गामा सर्च करते ही इस वाले इफेक्ट को आपको एक बार सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से इस स्टैंडर्ड सेटिंग वाले ऑप्शन पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। अभी आपको इस एक्सपोजर गामा जो आपने सेलेक्ट किया था इस पर टैप कर देना है और दोस्तों ऊपर में जो एक्सपोजर है इसको कम कर लेना है, इसको -0.40% रख लेना है। और दोस्तों उसके बाद नीचे गामा है इसको भी आपको कम कर लेना है, इसको 900 के आसपास रख लेना है, मैं भी इतना ही रखने वाला हूँ। और उसके बाद नीचे चलते हैं ऑफसेट पर। तो दोस्तों इस ऑफसेट को आपको ज्यादा कम या बढ़ाना नहीं है, आपको इसको एक या दो या तीन कम कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं करना है। तो अभी इतना कर लेने के बाद तो दोस्तों आपको बैक कर देना है और उसके बाद आपको एक बार स्क्रीन पर टैप कर लेना है
अभी दोस्तों एक बार फिर से इस प्लस के निशान पर क्लिक कर देना है और इस वाले शेप को आपको सेलेक्ट कर लेना है। अभी दोस्तों आपको यहाँ ऊपर में 3 डॉट दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है और अभी आपको यहाँ पर फिल टू कंप्रेशन एरिया पर क्लिक कर देना है। दोस्तों इससे क्या होगा कि हमारा शेप जो है पूरे फुल स्क्रीन में अप्लाई हो जाएगा। तो अभी आपको यहाँ पर इस कलर एंड फिल वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और यहाँ पर से इस व्हाइट कलर को सेलेक्ट कर लेना है। व्हाइट कलर सेलेक्ट होने के बाद अभी यहाँ पर से आपको एक बार बैक कर देना है और इस ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले ऑप्शन पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। अभी आपको थोड़ा सा नीचे करना है तो एक कॉन्ट्रैक्ट का ऑप्शन मिलेगा। दोस्तों इस कॉन्ट्रैक्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और फर्स्ट में ओवरले वाला ऑप्शन है, इस पर एक बार टैप कर देना है। अभी आपको सिंपली से ये जो हो जाएगा तो आपको एक बार बैक कर देना है और एक बार स्क्रीन पर टैप कर लेना है। अभी दोस्तों देख सकते हो जैसा कि हमारे वीडियो में वो जो इफेक्ट है वो अप्लाई हो चुका है। तो अभी आपको अगर ब्राइटनेस कम लग रहा है तो इस प्लस के निशान पर एक बार क्लिक कर देना और फिर से ये वाला एक शेप सेलेक्ट कर लेना और दोस्तों फिर से आपको बड़ा कर लेना है, इसको फिल कंप्रेशन एरिया कर लेना है और उसके बाद कलर एंड फिल पर क्लिक कर देना है और व्हाइट कलर सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको बैक कर देना है। ब्लेंडिंग पर क्लिक करके आपको कंस्ट्रक्ट पर क्लिक करके इसको भी ओवरले कर देना है। अभी आपकी जो ब्राइटनेस बढ़ चुकी है आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। जब मैं इसको 60 के आसपास रख लेने वाला हूँ तो दोस्तों अब आपको एक बार स्क्रीन पर टैप कर लेना है। अभी दोस्तों देख सकते हो जैसा कि हमारे वीडियो में वाला बिल्कुल इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। तो दोस्तों इस वाले इफेक्ट को अपने पूरे कंप्लीट वीडियो में आप अप्लाई कर लेना है। तो दोस्तों ऊपर में जो इफेक्ट दिख रहा है इस पर आपको एक बार क्लिक करके इसको मार्क कर लेना है। 1, 2, 3 ही इफेक्ट को आपको मार्क करना है और उसके बाद वीडियो के सबसे अंत में चले जाना है और इस वाले ऑप्शन पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। अभी जो आपकी इफेक्ट है पूरे कंप्लीट वीडियो में अप्लाई हो चुकी है। अब आपकी वीडियो को सेव करना है तो ऊपर में जो सेव का बटन दिख रहा होगा इस वाले ऑप्शन पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। अभी आपको नीचे एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है, आपकी वीडियो सेव होना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो सेव होने के बाद आपको कुछ इस प्रकार की लगेगी। दोस्तों अगर ऐसी इफेक्ट और देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।